चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आपराधिक बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में सेक्टर 3 स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की है। पुलिस को सौंपी शिकायत में बुद्धि राजा ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो किसानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि बुद्धि राजा ने मुख्यमंत्री के बयान को निहायत ही निंदनीय और आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का किसी संवैधानिक पद पर रहना प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति बहाली के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे, क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचार है, क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा खा लो ठंडे। ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी कार के नीचे रौंद दिया, ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री का उकसावे वाला बयान हरियाणा में हिंसा को भड़का सकता है। ऐसा बयान प्रदेश की पुलिस के सामने भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। अगर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए पूरी तरह मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार होंगे। बुद्धि राजा ने कहा कि कानून के तमाम विशेषज्ञों के मुताबिक मुख्यमंत्री के बयान को देखते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है। पुलिस को फौरन आईपीसी के सेक्शन 115, 117 और आईटी एक्ट के सेक्शन 67 समेत अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज करने चाहिए।